अभी पंजाब में मुख्तलिफ जो एजुकेशन बोर्ड्स हैं उनके एग्जाम होने हैं, दसवीं के खत्म हो गए हैं, अभी नाइन्थ क्लास के जो एग्जाम शुरू होने हैं। अभी फैसलाबाद बोर्ड में बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट्स हैं कि जहाँ पे जो क्रिश्चियन बच्चे हैं जिन्होंने नाइन्थ के एग्जाम के लिए अप्लाई किया, उनके एडमिशन गए और उन्हें जब उनकी डेट शीट आई है तो उसमें जो 30 मार्च को पेपर है वो इस्लामियत का, उसमें उनको हालांकि उन्होंने अपने जो नॉमिनेशन पेपर हैं जब उन्होंने एडमिशन फॉर्म जमा करवाए तो उन्होंने अपना मज़हब नॉन मुस्लिम लिखा और एथिक्स को चॉइस किया, लेकिन उसके बावजूद उन्हें जो है इस्लामियत के पेपर में अपीयर होने का लिख के भेज दिया गया है डेट शीट में। अब जब वहाँ पे लोग बच्चे हमारे गए स्कूलों में तो उन्होंने कहा जी बोर्ड की गलती है, फिर वो जब एजुकेशन बोर्ड में गए तो फिर एजुकेशन बोर्ड वालों ने कहा जी ये स्कूल की गलती है वहाँ से, तो जिसकी वजह से हमारे बच्चे परेशान हैं। फिर क्या हो रहा है कि बच्चे पहले स्कूल जाते हैं मुख्त स्कूलों से, वहाँ पे वो एक लिख के देते हैं कि ठीक है जी ये मिस्टेक है, फिर जाके वो बोर्ड में जाते हैं और बोर्ड में फिर दोबारा से उनसे 1500 रुपये जो है फीस ली जा रही है और फिर उनको दोबारा से जो डेट शीट इशू हो रही है। तो इस वक्त आके इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं वो चाहे वो बोर्ड कर रहा है या स्कूल की इंतजामिया कर रही है, तो किस तरह जो मसीही बच्चे हैं उनको परेशान किया जा रहा है। इस वक्त में तो उनको एग्जाम की तैयारी में मशगूल होना चाहिए, ना कि वो बेचारे बोर्ड के और स्कूलों के चक्कर लगा लगा के। भी बहुत सारी मुझे पेरेंट्स ने फोन किया, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप की है डेट शीट जो इस वीडियो के साथ भी अटैच है। तो मैं जो हमारे अकलियत अमूर के जो मिनिस्टर हैं रमेश सिंह अरोड़ा साहब, इंसानी हकूक के मिनिस्टर जनाब खलील कैर संधु साहब और वजीर अला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि फौरी तौर पे एजुकेशन मिनिस्टर की ड्यूटी लगाएं ताकि वो उस मसले को फौरी तौर पे हल करें। और ये किस चीज़ के जब गलती इनकी है तो हमारे बच्चे क्यों पैसे दें, क्यों आप मुआशी नुकसान इस गुरबत के दौर में फिर हमारे मसीह खानदाना को जो पहले बेचारे पिसे हुए हैं उनसे आप फिर 1500-1500 रुपये किस बात के लिए जा रहे हैं? ये सख्त नाइंसाफी है और मैनॉरिटीज़ लाइन्स पाकिस्तान इसकी मजम्मत करें।